अब देखिए, हर चीज किसी न किसी काम के लिए बनी होती है और हर काम के लिए बने होते हैं कोई ना कोई औजार। गैंग्स अपने काम के लिए शूटर बनाते हैं और शूटरों के काम के लिए बनी है बंदूक। पर बंदूक के बल पर जो जीते हैं वो आखिर बंदूक के बल पर ही मरते हैं। उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल क्षेत्र जाना जाता है अपनी दुर्गत दशा, खुली इंटरनेशनल बॉर्डर और मारधाड़ की परंपरा के लिए। 90 के दशक में यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का एक ऐसा दौर शुरू हुआ जिसकी पहुंच गली के गुंडों से लेकर पॉलिटिक्स तक आज भी है। यह है वाइस गाइड टू क्राइम इन इंडिया, कासे क्राइम, क्रिएटेड विद अमेज़न प्राइम ओरिजिनल मिर्जापुर। मिर्जापुर यूपी के छोटे शहरों में गिना जाता है। यहां ना ज्यादा व्यापार है, ना ज्यादा नौकरियां और ना ही ज्यादा साधन। जाहिर सी बात है कि इससे आम आदमी में गुस्सा तो पलेगा, और ये गुस्सा जब लड़के एक दूसरे पर निकालेंगे तो भैया मुक्का लात से बात नहीं बनेगी, वो ढूंढेंगे उससे भी बड़े औसे औजार। अपराध के औजार कई होते हैं, बड़े लेवल पर गोलियां चलती हैं और छोटे लेवल पर साइकिल की चेन और चाकू, उस तरह से भी काम चल जाता है कई बार। और ये सब सीख के अपराधी स्ट्रीट लेवल से ही अपने क्रिमिनल कैरियर का इंट्रोडक्शन देना शुरू कर देता है। When petty crimes happen, these criminals are sent to the same jails where these bigger mafias are. They are expert in their own job. They know which guy can become a shooter, which guy cannot. So, depending on that, they will help him get out on bail. They will help to provide for his family when he's in jail. अब चक्कू छुरी चलाकर आप किसी बड़े बाहुबली की नजर में आ गए, तो समझिए वो आपको अपनी छत्रछाया में ले लेंगे और उस तरह से तरक्की करके पकड़ा देंगे 2,500 का से कट्टा। जब अपराधी कांड करने आता है तो कट्टे का ज्यादा यूज करता है, उसके ऊपर ज्यादा भरोसा होता है, वो जल्दी मिस नहीं होता है। अब देसी कट्टों का फायदा एक तो ये है कि वो सस्ते हैं और दूसरा ये कि उनको ट्रैक नहीं किया जा सकता। कांड करके मौका या वारदात पे छोड़ो, न सीरियल नंबर मिलेगा और ना ही कार्रवाई होगी। 80s और 90s के बीच में जो भी आप किलिंग्स देखेंगे उसमें कट्टा इस्तेमाल हुआ है। जनरली एक बार में कट्टे से एक फायर होता है, उसमें 315 या 312 की गोली लगती थी और उसको एक बार में एक लोड करके चलाते थे। कभी कभी डबल बैरल कट्टा भी लोगों ने उस समय इन्वेंट किया था। बिहार में एक जगह है मुंगेर, मुंगेर में पहले बहुत सारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज होती थी, बाद में वो फैक्ट्रीज बंद हो गई तो वहाँ के लोग जो कि कारीगर थे उन्होंने अपनी शेल फैक्ट्रीज खोलनी चुपके से। दुनिया की किसी भी रिवॉल्वर, किसी भी पिस्टल को आप मुंगेर में लेके चले जाइए और मुंगेर में उसका मेड इन मुंगेर रेप्लिका तुरंत बना के वो देते हैं और वो अच्छा काम करता है। भाई देवे, 90 के दशक में जब तक देश के हर घर में कलर टीवी पहुंचा, यूपी की सड़कों पर ओरिजिनल इम्पोर्टेड तमंचे आने लग गए थे। इनकी बनावट पक्की थी, ज्यादा रेंज थी और बेहतर रेट ऑफ फायर था, और तब के स्टैंडर्ड इशू 303 पुलिस राइफल से कहीं ज्यादा भरोसेमंदी हुआ करते थे। कृपा चौधरी का हाथ एक उड़ गया था, वो केवल एक हाथ वाला आदमी था और एक हाथ से वो AK-47 से लेके पिस्टल तक इतना बढ़िया चलाता था कि जिसका कोई जवाब नहीं था। भौकाली दिखने से ज्यादा अब बंदूक दहशत फैलाने के लिए थी। एक गोली से ठिकाने लगाने की बजाय बीच बाजार में ट से ट्यूबलाइट की तरह पूरी की पूरी मैगजीन उतारने का दौर शुरू हो गया। दे डोंट यूज द वर्ड घोड़ा हियर। घोड़ा बॉम्बे में यूज करते हैं वेपन के लिए, स्मॉल वेपन्स के लिए। यहाँ पर वो असला है, यहाँ पर वो सामान है छोटा। और अगर AK-47 है तो इट इज ट्यूबलाइट, और अगर वो मैगजीन के साथ है तो वो बोलेंगे कि ट्यूबलाइट के साथ में बैटरीज भी है। 90 के दशक में तस्करी के रास्ते AK-47 पूर्वांचल में लाई गई थी पहली बार, और इनका फायदा उठाया वहीं के कुख्यात गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी ने। कैलाश दुबे का मर्डर हुआ था 96 में, उसमें पहली बार 47 का यूज किया गया था। कैलाश दुबे बीजेपी के नेता थे और वो अगले विधायक होने वाले थे, तो मुन्ना बजरंगी इसीलिए फेमस ज्यादा हुआ कि पूर्वांचल में पहली 47 उसने यूज की और उसके बाद उसके गिरोह ने लगातार इस वेपन का इस्तेमाल किया। पावर का जो हंगर है वो वेपन से पूरा होता है, और अच्छा वेपन जो है वो बड़ा पावरफुल आदमी के रूप में आपको दिखाता है। सो इट्स ऑल अबाउट बिकमिंग अ हीरो, यू नो, एंड द वेपन मेक्स यू हीरो।
अब देखिए पिस्तौल का क्या है, वो एक बार में एक ही गोली मार पाती है, इससे सही निशाना लगाने में समय लगता है, प्रैक्टिस भी लगती है। पर AK-47 के साथ सिर्फ ये देखना पड़ता है कि ट्रिगर आपकी तरफ है और नली किसी और की तरफ, और फिर बस आंख मूंद के घोड़ा दबा दिया जाता है। 2005 में गाजीपुर के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या इसी से की गई थी। कम से कम 5 से 6 AK-47 यूज की गई थी, 3 GS यूज की गई थी, पिस्टल सबके पास एक एडिशनल थी, और 47 भी एक ऐसी यूज की गई थी जो कि ड्रम मैगजीन वाली, जैसे पिक्चरों में गोल वाली दिखाई जाती है, 100 राउंड से अधिक फायर करने वाली, वो यूज की गई थी। गैंग्स ये सारे औजार इस्तेमाल करते थे, तो पुलिस ने भी उनसे टक्कर लेने के लिए अपने औजार तैयार किए। 1998 में बनाई गई यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स UPSTF, जिसने शुरू किया बड़े पैमाने पे सासे सर्वेलांस, जिससे वो अपराधियों और उनके साथियों को ट्रैक करने लगे। मोबाइल फोन वॉज लॉन्च इन यूपी ईस्ट सर्किल इन 1998। पहले हम रियल टाइम में सुनते थे, हमारे पास स्टोर करने के लिए या उसके लिए दिखा, अब हाथ में मोबाइल है, उसमें तार निकला हुआ है, हम उसको सुन रहे हैं, एक हाथ में रिकॉर्डर है, उसका एक पैरेलल उसमें लगा रखा है, उससे रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो सामने वाला ये समझ जाता था कि ये फ़ोन रिकॉर्ड किया जा रहा है, किसी का फ़ोन ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये सब दिक्कतें होती थी। अब सेल फोन के आने से दुनिया और करीब हो गई, पर 1998 में शूटर शिपका शुक्ला के करीब आई सिर्फ एसटीएफ। 90 के दशक के एक बहुत बड़ा नामचीन अपराधी हुए शिव प्रकाश शुक्ला। शिव प्रकाश का खौफ इतना ज्यादा था कि मीडिया ने यह छापना शुरू कर दिया था कि उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह जी, उसने उनकी सुपारी ली है। श्री प्रकाश शुक्ला का शूट आउट 23 सितंबर 1998 को दिल्ली के करीब गाजियाबाद में हुआ था। जब हम लोग उसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहे थे, उस समय हम लोगों को ये बताया गया कि साहब उसने प्लास्टिक सर्जरी करवा रखी, साहब उसने बड़ी बड़ी दाढ़ी अपनी बनवा रखी, उसको पहचान पाना मुश्किल। वी हैव वन फोटोग्राफ ओनली, एक फोटोग्राफ थी, गर्दन उसमें शिवप्रकाश शुक्ला की थी और रेस्ट ऑफ द पोर्शन इज ऑफ सुनील शेट्टी, और वी गॉट हिज लोकेशन इन दिल्ली, और फिर हमारी टीमें थी, हम लोगों ने चेस किया, दे स्टार्टेड फायरिंग एंड रिटेलिएट किया, जिसमें शिवप्रकाश शुक्ला और उसके साथ के दोनों, All of them were killed in that encounter. शिवप्रकाश के एनकाउंटर के बाद गैंग्स को एसटीएफ के सर्विलांस का पता चला और वो चौकन्ने हुए। लड़के सर्विलांस से बचने के लिए जितनी तरकीबें लगा सकते थे लगाने लग गए, मगर सर्विलांस जारी रहा। मुंबई से लेकर के कलकत्ता तक जाकर के शूट आउट किया था। एक बार एक यूनिट शुरू हुई, सर्विलांस की टेक्निक में हम लोग माहिर हो गए, फोन पैरेलल पे सुनने लगे, लोकेशन मिलने लगी और हमारे लिए आसान हो गया। एक बार हमको अगर लोकेशन लगातार मिलने लगे तो ये मैटर नहीं करता कि हम 500 लोग हैं कि 5 लोग। एसटीएफ को यूपी के शूटर्स गिराने के लिए सर्विलांस के साधन, हथियार और खुली छूट दे दी गई थी, और इसीलिए पूर्वांचल में क्राइम काफी हद तक कम हो गया है, पर ऑर्गेनाइज क्राइम को रोकना इतना आसान नहीं। ये गैंग्स मशीन की तरह काम करते हैं, जिनका होता है एक ही काम करने का तरीका और एक ही चलाने वाला, बाकी सब सिर्फ काम निकालने के औजार हैं। जिस दिन जो काम आना बंद हो गया उस दिन उसको निकाल फेंका, मगर इस काम को कोई चल के या दौड़ के नहीं छोड़ता, छोड़ता है तो सिर्फ अर्थी पे चढ़ के। देखिए कितने कमाल की बात है।